कल्याण में केबल व्यवसाय पर सुपारी लेकर हवाई फायर, 6 गिरफ्तार। थाने पुलिस आयुक्तालय के कल्याण में 29 अक्टूबर की रात 10:30 बजे के करीब बाल धोनी से पल्सर मोटरसाइकिल से काम पर जा रहे केबल व्यवसाय मिदुत सर उर्फ गुड्डू मुनवर मस्जिद पर बाजार पथ में पिस्टल से 2 राउंड हवाई फायर करने के आरोप में महात्मा फुले पुलिस ने 24 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। थाने पुलिस उपायुक्त श्री दीपक देवराज ने एक पत्रकार परिषद के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी इस्माइल रावण मानदेकर उर्फ बाबा की बहन के साथ शिकायतकर्ता की 15 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और दहेज के कारण उसे यातना दी जाती थी। आरोपी की बहन द्वारा अपने घर में लाई गई राशि को उसका पति बार बालाओं में खर्च किया करता था। इसके बाद तंग आकर निहद करेल ने 5 लाख रुपए देकर व्यवसाय पर हमला करवाने के लिए कहा था। पुलिस ने इस मामले में एक पिस्तौल तथा 2 जीवित कारतूस भी बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है। पवन पुरोहिया, न्यूज से, सतीश चौहान, थाने महाराष्ट्र। 2019 को एमएफसी पुलिस स्टेशन जो हमारा वाल्डुनी है उसके अंदर एक फायरिंग हुआ था, तो गुटू उर्फ मुजावर मस्जिद करके केबल वाला, उसके बाद जो गोठा भी है ऐसा, और बेकरी का भी, बेकरी भी है उसकी, ऐसा ये व्यापार करता था, उसके ऊपर फायरिंग हुआ। तो फायरिंग होने के बाद हमारी क्राइम ब्रांच की जो टीम है वहाँ पर हमने स्पॉट विजिट किया था। हमारे कदम साहब थे, हमारे कश्मीर साहब थी, या हमारी पूरी टीम थी, जो उन्होंने वहाँ पर स्पॉट पर हमने पूरा वेरीफाई किया। उसके बाद हमने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ली, कुछ एनालिसिस किए, कुछ हमने जो भी विटनेसेस थे उनको भी, काफ़ी सारे विटनेस थे यहाँ पे देखे, उनको भी वेरीफाई किया। उसके बाद हमारे कुछ इन्फॉर्मेंट थे तो हमने उनको भी काम पे लगाया था। तो हमारे ऐसे 3-4 मुद्दों के ऊपर हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो हमारे ढकने करके एक पुलिस कर्मचारी है, उनको एक पक्का खबर मिला था कि इसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमने उन लोगों को हिरासत में लेने के बाद हमको पता चला कि ये एक सुपारी गिफ्ट का गेम है, फायरिंग सुपारी लेके फायरिंग किया गया है। तो हमने उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चला कि ये सुपारी दी गई थी और इन लोगों को यूज़ किया था। उसके अंदर इन्होंने एक पल्सर जो बाइक थी वो यूज़ किया था, उसको भी हमने जब्त किया है। उसके बाद जो वॉचर थे उन्होंने उसका ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया था, वो ऑटो रिक्शा भी हम जल्दी ही हम उसको जब्त करेंगे। और जो इसके अंदर वेपन उन्होंने यूज़ किया था वो वेपन में हमने जब्त किया हुआ है। अभी उन्होंने वेपन कहाँ से लाया था, किससे खरीदा था, उसका भी हमारा इंक्वायरी चल रहा है। सर, ये फायरिंग करने का इनका उद्देश्य क्या था, मारने का उद्देश्य था, केवल डराने का उद्देश्य? नहीं, अभी वो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने को पता चला है कि उनका एम उद्देश्य क्या था। तो अपना वो इसमें टोटल कितने आरोपी थे अभी तक? 6 आरोपी को हमने